दिल्ली में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी की हुई बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में नाम पर हुआ मंथन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक के बाद किया ऐलान, द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही हैं द्रौपदी मुर्मू, ओडिशा के मयूरभंज जिले की रहने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई, लिखा द्रौपदी मुर्मू की समझ और दयालु स्वभाव से हमारे देश को बहुत फायदा होगा। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे यशवंत सिन्हा, विपक्षी दलों की बैठक के बाद सहमति से लिया गया फैसला। अग्निपथ योजना पर तीनों सेना की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अग्निपथ के लिए युवाओं ने शुरू की तैयारी, हमारे लिए देश सबसे अहम, हम सोच समझकर फैसले लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा जवानों की उम्र कम करने की जरूरत, सेना में होंगे कई अहम बदलाव, ये देश की रक्षा का सवाल है। अग्निपथ योजना को लेकर एनएसए अजीत डोभाल का बयान, सेना में हमें युवाओं की जरूरत, हालात के मुताबिक बदलाव जरूरी, अब नए फैसले लिए जा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी की हुई पूछताछ, राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में पांचवें दौर की पूछताछ। दिल्ली में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ता, राहुल गांधी के समर्थन में निकाल रहे थे मार्च। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 10 लाख ग्रामीणों को सौंपे जाएंगे घरौनी प्रमाण पत्र, सीएम योगी 23 जून को सौंपेंगे सर्टिफिकेट, घरौनी का अभिलेख मिलने के बाद विवाद में आएगी कमी। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए थम गया चुनावी शोर, आखिरी दिन दिग्गजों ने लगाया पूरा जोर, 23 जून को दोनों सीटों पर वोटिंग। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही सीटों पर किया जीत का दावा, कहा बीजेपी को हराएंगे अग्निवीर, ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी सपा। आजम खान के गढ़ रामपुर में सीएम योगी ने जनसभा कर सपा पर साधा निशाना, कहा सत्ता बदली तो ऐठन दूर की गई। आजमगढ़ में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने निकाला रोड शो, सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, राम गोविंद चौधरी समेत जिले के 10 विधायक रोड शो में हुए शामिल। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का था आज आखिरी दिन, सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने किया जीत का दावा, विरोधियों पर साधा निशाना। रामपुर से सपा प्रत्याशी आसिम रजा ने अपनी जीत का दावा किया, कहा आजम खान के साथ बहुत जुल्म हुआ, उस जुल्म का बदला रामपुर की जनता अपने वोट के जरिए लेगी। लोकसभा उपचुनाव से पहले आजम खान ने गाया ईवीएम राग, लोगों से की अपील मशीनों की हिफाजत करना, मशीनों की तलाशी लेने की कोशिश करना। आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कर्नाटक में किया योग, ऐतिहासिक मैसूर पैलेस में प्रधानमंत्री ने किया सामूहिक योग। कर्नाटक के मैसूर प्लेस ग्राउंड में पीएम मोदी की अगुवाई में योग अभ्यास, ऐतिहासिक ग्राउंड में करीब 15,000 लोगों ने किया योग। योग दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन, कहा योग मानवता के लिए, देश द्वीप से ऊपर है योग, योग विश्व को नई ऊर्जा दे रहा है। मोदी सरकार के 75 मंत्रियों ने देश के 75 स्थानों पर किया योग, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत खास कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पतंजलि योगपीठ में खास आयोजन, बाबा रामदेव के साथ हजारों साधकों ने योग किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नोएडा स्टेडियम में किया सामूहिक योग, नड्डा के इस मौके पर योगी की खासियत भी बताई। योग दिवस पर संसद भवन परिसर में योग शिविर का आयोजन, काफी संख्या में सांसदों सहित लोकसभा स्पीकरों बिरला भी हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आईटीबीपी के जवानों ने किया योग, बर्फ के बीच जवानों ने योगाभ्यास किया। आईटीबीपी के जवानों में योग को लेकर दिखा काफी उत्साह, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड में आईटीबीपी के जवानों ने योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला जेल में खास आयोजन, कैदियों ने किया योगाभ्यास। गुजरात में भव्य तरीके से मनाया जा रहा योग दिवस, वडोदरा में योग की विभिन्न मुद्राओं को दर्शाती खास रंगोली बनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यूपी में खास आयोजन, लखनऊ में सीएम योगी ने राजभवन में किया योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बोले सीएम योगी, कहा योग हमें अनुशासित होना सिखाता है, प्रतिरोधक क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया योग, इससे पहले दीप प्रज्वलित कर योग कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। देहरादून में सीएम धामी ने मंत्रियों को बांटा जिलों का प्रभार, सतपाल महाराज को हरिद्वार की जिम्मेदारी दी गई, प्रेमचंद अग्रवाल को उत्तरकाशी, टिहरी की जिम्मेदारी, गणेश जोशी को भी जिम्मेदारी दी गई।
देहरादून में हुई वन्य जीव बोर्ड की 17वीं बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ने लंबे समय से बोर्ड की बैठक न होने पर नाराजगी जाहिर की तो अधिकारियों को काम में ही लाहवाली न करने की हिदायत दी। उत्तराखंड कांग्रेस में मची खलबली, सभी कांग्रेस विधायकों को दिल्ली किया गया तलब, कई पदाधिकारियों को भी बुलाया गया, कई नेता पहले से ही दिल्ली में मौजूद। हरिद्वार में सेल्फी ले रही युवती से झपटमारों ने मोबाइल छीना, हल्की पैड़ी पर हुई इस वारदात ने श्रद्धालुओं को यहां सोचने पर मजबूर कर दिया, मौके पर मौजूद लोगों ने झपटमार को पकड़कर पीटा। चंपावत में टनकपुर रेलवे स्टेशन के समीप बने टेन शेड और कच्चे मकानों पर रेलवे का बुलडोजर चला, कार्रवाई को लेकर लोगों में नाराजगी भी देखी गई। चमोली हेमकुंड साहिब यात्रा फिर से सुचारू हो गई है। रविवार और सोमवार को बर्फबारी होने के बाद यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा स्थायी रूप से रोक दी गई थी। हरिद्वार में एक दूधिये की शर्मनाक करतूत सामने आई है। घर में 9 साल की बच्ची को अकेला पाकर छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश, सीसीटीवी फुटेज से घटना का खुलासा, आरोपी सगीर अहमद को गिरफ्तार किया गया। कानपुर के बेकनगंज में हुई हिंसा मामले में भड़काऊ पोस्ट वाले अकाउंट्स की जांच जारी, पुलिस की ओर से मांगी गई जानकारी ट्विटर ने नहीं कराई उपलब्ध, दोबारा लिखा गया पत्र। लखनऊ में महिला ने बुजुर्ग डॉक्टर को हनी ट्रैप में फंसाया, डॉक्टर ने शादी के लिए विज्ञापन दिया था, यूएस से सोना खरीदकर लखनऊ भेजने की बात कही थी, महिला के साथियों ने डॉक्टर से 1,08,00,000 रुपए जमा करवाए। अलीगढ़ में दबंगों ने मामूली कहासुनी को लेकर महिला और पुरुष के साथ जमकर की मारपीट, वायरल वीडियो खैर थाना इलाके का बताया जा रहा है। घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कानपुर में हॉस्पिटल का अवैध निर्माण ढहाया गया, जोन 4 के आर्य नगर में नगर निगम ने ढहाया अतिक्रमण, फुटपाथ पर किया गया था अवैध कब्जा, सीएम से हुई शिकायत पर नगर निगम ने की कार्रवाई। हरदोई में सवारियों को लेकर जा रही एक तेज रफ्तार निजी बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, हादसे में परिचालक की मौत हो गई जबकि एक दर्जन यात्री जख्मी, सवाजपुर मार्ग पर कोतवाली लोनार के पास हादसे के शिकार हो गई यात्री। सहारनपुर नगर निगम द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाओ लगातार जारी है। घंटाघर पर मंदीप होटल पर नगर निगम ने 4 जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया, नगर निगम की कार्रवाई से आसपास के होटल संचालकों में हड़कंप। जालौन में पेड़ से टकराई कार में लगी भीषण आग, कार सवार 3 लोगों में से 2 लोग मामूली रूप से झुलसे, माधवगढ़ कोतवाली क्षेत्र के जालौन बंगरा स्थित ग्राम रूरा के पास की घटना। नोएडा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए एक शातिर चोर के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 मोटरसाइकिल, 2 कार, 74 टायर और 12 सीएनजी सिलेंडर बरामद किए। मिर्जापुर के दुर्गा बाजार मोहल्ले में बदमाशों ने बीती रात 2 लड़कों की बेरहमी से पिटाई की और अधमरी हालत में छोड़कर फरार हो गए। एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, दूसरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। सहारनपुर के कोतवाली क्षेत्र में कपड़े की दुकान से चोरी की वारदात सामने आई है और सीसीटीवी में कैद हो गई पूरी घटना, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अलीगढ़ के टप्पल में हुई हिंसा के बाद अब तक 118 के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की जा चुकी है। शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे इसके लिए पुलिस के आला अधिकारियों ने आज खेरेश्वर चौराहे का दौरा किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। शाहजहांपुर के सदर तहसील में एंटी करप्शन टीम ने एक लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। लेखपाल उत्कर्ष वर्मा प्रमाण पत्र के नाम पर 5,000 रुपए की मांग कर रहा था। रिश्वत न देने पर 15 दिन बाद भी किसान की रिपोर्ट नहीं लगाई। हरदोई के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र में 90 साल के ससुर ने पारिवारिक विवाद में 57 साल की बहू की लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर की हत्या। आरोपी ससुर भागने की फिराक में था लेकिन पुलिस ने उसे राइफल के साथ हिरासत में ले लिया। नोएडा में बंद कोठी से 50 लाख की चोरी, 5 चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी के जरिए चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। जालौन में अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले 21 लोगों में से 18 को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 3 जनपद से बाहर के बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड की सीमांत विधानसभा खटीमा में पूर्व सैनिकों ने अग्निपथ योजना का विरोध किया। एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर सरकार की योजनाओं को उत्तराखंड के विरोध में बताया। उनका कहना है कि विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 4 वर्ष का होना चाहिए। गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय के सामने रोडवेज कर्मचारियों का धरना, डगामार बसों के विरोध में रोडवेज कर्मी सड़कों पर बैठे, प्रशासन पर अवैध बस संचालन का आरोप लगाया। सहारनपुर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी, मुठभेड़ में एक और तस्कर गिरफ्तार,
घायल शमशाद को जिला अस्पताल इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। भदोही जनपद में डीएमएसपी के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारी कोचिंग संस्थानों के सहयोग से युवकों को अग्निपथ योजना के लिए जागरूक कर रहे हैं। सहारनपुर में सरकार की अग्निपथ योजना के पक्ष में उत्तरा भायला गांव में युवाओं ने योजना के समर्थन में नारेबाजी कर सरकार के फैसले का स्वागत किया। बागपत की गांवों में विकास कार्यों और युवाओं को नशा खोरी से बचाने को लेकर अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन ने बुलाई बैठक। 20 से ज्यादा ग्राम प्रधानों के साथ संगठन के पदाधिकारी हुए शामिल। औरैया में भीषण गर्मी के बीच बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। मानसून की बारिश को देखते हुए गर्मी से मिली लोगों को निजात। बाराबंकी एसपी अनुराग वत्स ने होनहार छात्रों को सम्मानित किया। कहा यूपी बोर्ड में योगेश अभिमन्यु और प्रवीण की तरह कड़ी मेहनत से हासिल करें अपना लक्ष्य। सहारनपुर जनपद के थाना मिर्जापुर क्षेत्र के आवंटित खनन पट्टों की जांच के लिए पहुंची टीम। छापेमारी के दौरान खनन कारोबारियों में हड़कंप। झांसी में करारी गांव के पास ग्वालियर हाईवे पर दो ट्रकों की आमने सामने टक्कर हुई। हादसे में दोनों ट्रक चालक गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। लखनऊ के 1090 चौराहे के पास दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराई और किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रायबरेली में महायोजना 2031 को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई। शहर को स्मार्ट और सुविधा युक्त बनाए जाने को लेकर शासन के निर्देश पर महायोजना 2031 का प्रस्ताव लाया गया। बलरामपुर में रिश्तों के कत्ल का मामला आया सामने। छोटे भाई ने ही बड़े भाई की चाकू से कूदकर हत्या कर दी। घटना का कारण घरेलू विवाद बताया जा रहा है। पीलीभीत में धर्मगुरु के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर एक युवक पर मुकदमा दर्ज। आरोपी साजिद खान की तलाश में दबिश जारी। 20 जून को व्हाट्सएप ग्रुप किया था अभद्र मैसेज। बाराबंकी में एक शादी समारोह में सिलेंडर ब्लास्ट होने से बड़ा हादसा। 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलसे। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बरेली में ट्रक और स्विफ्ट कार की भीषण टक्कर। कार में बैठे 5 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत। उत्तराखंड के रामनाग से हरदोई जा रहे थे कार सवार। आजमगढ़ में बेकाबू पिकअप ने 6 लोगों को रौंदा। पिता बेटे समेत 3 की मौत, वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर। यूपी के महाराजगंज में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच झड़प। एक पक्ष ने महिला को पीटा। घटना का वीडियो वायरल। यूपी के सहारनपुर में चला प्रशासन का बुलडोजर। चांद वाली तालाब को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन। पुलिस और किसानों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। भारी पुलिस फोर्स तैनात। छत्तीसगढ़ के बालोद से आई दिल दलाने वाली तस्वीरें। एक शख्स ने ट्रेन के इंजन के सामने लेटकर आत्महत्या की। घटना का वीडियो वायरल। बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर लगी मोहर। कृषि रोडमैप के लिए करोड़ों रुपए की राशि को मंजूरी मिली। झारखंड में 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी। 10वीं में 92.19% छात्र पास। 12वीं में 95.60% छात्रों ने मारी बाजी। पैतृक गांव में हथियार रखने के मामले में अनंत सिंह को 10 साल की सजा। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। हाईकोर्ट में करेंगे अपील। जम्मू कश्मीर के सोपोर और पुलवामा में एक एक आतंकी ढेर। सब इंस्पेक्टर फारूक मीर का हत्यारा जैश आतंकी माजिद नजीर मारा गया। ओडिशा के नोपाडा में सीआरपीएफ पर हमला। नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद। कई जवानों के जख्मी होने की खबर। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल के बीच मुंबई से दिल्ली तक भूचाल। पवार बोले राज्य में सरकार गिराने की साजिश। शिंदे की नाराजगी। शिवसेना का अंदरूनी मामला। सूरत के होटल में मिलिंद नार्वेकर और एकनाथ शिंदे से 2 घंटे तक हुई मुलाकात। शिंदे और मिलिंद की नहीं बनी बात। बागी विधायकों को मनाने पहुंचे थे मिलिंद। मिलिंद ने शिंदे और उद्धव ठाकरे की फोन पर करवाई बात। दोनों के बीच करीब 15 से 20 मिनट तक हुई बातचीत। शिंदे अपनी मांग पर अड़े। बातचीत में शिंदे ने उद्धव से कहा सीएम बनने की इच्छा नहीं। बीजेपी से गठबंधन होगा तो पार्टी नहीं टूटेगी। शिवसेना छोड़ने की मंशा नहीं। संजय राउत का दावा एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी का साथ छोड़ने का शिंदे भी गवा रहे हैं। शिवसेना ने अपने बागी विधायकों को होटल में किया शिफ्ट। विधायकों को वर्ली के एक होटल में रखा गया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा हमारे विधायक एक साथ हैं। हमारे विधायक किसी के संपर्क में नहीं।
सूरत से गुवाहाटी शिफ्ट किए जा सकते हैं शिवसेना के बागी विधायक। सूत्रों के मुताबिक चार्टर प्लेन से गुवाहाटी जा सकते हैं विधायक। नेपाल में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में झड़प। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की चेतावनी, समय पर नहीं हुए चुनाव तो पाकिस्तान में फैल जाएगी अराजकता, बढ़ेगी आर्थिक तंगी। बांग्लादेश के सिलहट में बाढ़ की वजह से बिगड़े हालात, पीने के पानी का संकट बढ़ा। खार्किव और लुहांस्क में रूसी सेना के हवाई हमले जारी, जगह जगह दिखाई दे रहे तबाही के निशान। यूक्रेन में रूसी सेना की बमबारी जारी, दोनेत्स्क से सैकड़ों की संख्या में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, रूसी सेना एक बार फिर खार्किव पर हमले की तैयारी में, माइकोलाइव में भी भारी तबाही। यूक्रेन के सुमी में रूस ने किया भीषण हमला, यूक्रेन का दावा रूसी हमले में 10 घरों को पहुंचा नुकसान। रूस का पश्चिमी देशों पर हमला, कहा रूस को अलग थलग करने का पश्चिम का प्लान फेल, पश्चिमी देशों ने अपने आप को किया अलग। यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन की सदस्यता पर चर्चा के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जताई आशंका, कहा यूक्रेन पर हमले तेज कर सकता है रूस। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 11 साल, जून 2011 में कोहली ने किया था टेस्ट डेब्यू, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था पहला टेस्ट। आयरलैंड दौरे के बाद इंग्लैंड सीरीज के लिए होगी घोषणा, इंडियन टीम से बाहर चल रहे सीनियर खिलाड़ियों की इंग्लैंड सीरीज के लिए होगी वापसी। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का ऐलान, टोक्यो ओलंपिक में मेडल दिलाने वाले मनप्रीत सिंह को बनाया गया टीम का कप्तान। करण जौहर की फिल्म जुग जुग जियो रिलीज से पहले विवादों में घिरी, ईटर विशाल सिंह ने दावा किया है कि इस फिल्म की मूल कहानी उन्होंने लिखी है और जिसका नाम पुन्नी रानी है।